मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय शब्द का सुस्मिता प्रधान। मैं आज स्टैंडर्ड 3 के एसएसटी पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम देखे थे फैमिली के बारे में, देन सेकेंड चैप्टर में ये क्या कि हाउ आई केयर फॉर माय सराउंडिंग्स। तो सेकेंड चैप्टर चैप्टर टू में है हाउ आई केयर फॉर माय सराउंडिंग। तो हम देखते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हाउ आई केयर फॉर माय सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब जानते हो, हमारे चारों तरफ। तो हमारे चारों तरफ को हम कैसे क्लीन रखेंगे, केयर कैसे रखेंगे। तो हम पहले कुछ एग्जांपल के बारे में, एक बच्चा के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका नाम क्या है कि अनिकेत। तो अनिकेत स्टैंडर्ड 3 में वो पढ़ रहा है। तो वो फर्स्ट प्राइज किस में लाया है कि वो हेल्दी चाइल्ड में फर्स्ट प्राइज लाया है उसके स्कूल में। तो वो स्कूल में फर्स्ट प्राइज उसको क्यों दिए, क्योंकि वो उसको मिला फर्स्ट प्राइज इसीलिए मिला क्योंकि वो उसके चारों तरफ हेल्दी चाइल्ड हो गए। वो क्यों मिला, क्योंकि हेल्दी हम कैसे रहेंगे, चारों तरफ को साफ सफाई रखने से तभी जाके हम हेल्दी बन सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्रेडिट फिर वो खुद नहीं लिए, उसके सारे के सारे क्रेडिट उसके ग्रैंडफादर को दिए, क्योंकि उसकी ग्रैंडफादर उसको सारे के सारे चीज सिखाए थे, इसीलिए सारे के सारे वो क्रेडिट उसके ग्रैंडफादर को दिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि we should take care of our surrounding to keep our body healthy, तभी जाके हम क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है सराउंडिंग को, हमें क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ग्रीन रखना चाहिए, तो तभी जाके हम हेल्दी रहेंगे। आप लोगों को भी ऐसे प्राइज फर्स्ट प्राइज मिलेगा आपके स्कूल में। तो हम देखते हैं क्या करेंगे, सराउंडिंग को हम क्लीन कैसे रख सकते हैं। देन टू कीप आवर बॉडी, कीप आवर बॉडी हेल्दी, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। तो हमें इसमें से क्या समझ में आया कि हमें हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करनी चाहिए कि हम लोग हमारे सराउंडिंग को पहले क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, स्पीक एंड स्पान रखनी चाहिए। देन ए स्पीक एंड स्पान सराउंडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। मतलब स्पीक एंड स्पान मीन्स व्हाट, स्पीक एंड स्पान मीन्स नीट एंड क्लीन। स्पीक एंड स्पान मीन्स नीट एंड क्लीन, हमें हमारे चारों तरफ को नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। तो स्पीक एंड स्पान रखने चाहिए। तो हम उसके बारे में, अनिकेत के बारे में पढ़ लिए। तो आपको इसीलिए मैं ये अनिकेत के बारे में बताई क्योंकि उसको फर्स्ट प्राइज मिला कि नहीं। तो आपको भी फर्स्ट प्राइज मिलना चाहते हो तो आपको भी क्या करना चाहिए, आपकी सराउंडिंग को साफ सफाई रखना चाहिए। हम ओनली क्या अपने घर को सफाई रखेंगे, हम अपने चारों तरफ को सफाई रखेंगे, नो हमारे क्या करना चाहिए, आप स्कूल जाते हो हर दिन, तो इसीलिए हमें हमारे स्कूल के सराउंडिंग को सफाई करनी चाहिए, रोड को सफाई करनी चाहिए, देन हमारे घर को सफाई करनी चाहिए, हमारे घर के आसपास को भी हमें सफाई करने की बहुत जरूरत है, तभी जाके हमें क्या हो सकती है कि हम हेल्दी चाइल्ड हो सकती है। तो इसीलिए मैं क्या है कि पहले स्कूल के बारे में हम कैसे एक स्कूल को साफ सफाई रख सकते हैं, एक घर को कैसे साफ सफाई रख सकते हैं, मैं 2 पॉइंट्स लिखती हूँ, देन आपको कुछ पॉइंट्स दूंगे, आप वो घर में लिख लेना। देन क्लीनिनेस एट होम, क्लीनिनेस एट होम, तो आप घर में हम कैसे साफ सफाई रख सकते हैं, क्या क्या चीज यूज करेंगे और कैसे हम रखेंगे, तो तभी जाके हम क्या हो सकती है कि हेल्दी हो सकती है। फर्स्ट थिंग्स आप क्या है कि फर्स्ट थिंग्स में मैं लिखती हूँ, नंबर वन में होगा ऑल दी हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी
should be kept at proper place. Then हमें first point में लिखी all the household things should be kept at proper places. मतलब देखो अपने घर में बहुत सारे things ऐसे होगा तो हमें क्या चाहिए कि मतलब हमें ज्यादा ध्यान किसके ऊपर देना चाहिए, जैसे कि सारे के सारे खिलौना आप लोग खेलते हो घर में, बुक सारे के सारे स्कूल जब आते हो बैग वैसे फेंक देते हो, लेकिन ऐसा फेंकना नहीं चाहिए, जिधर बैग रखना है उधर बैग रखना है, तुम्हारी यूनिफॉर्म भी क्या पता खोल देते हो देन इधर उधर बेड के ऊपर इधर उधर वो करके सारे के सारे चीज फेंक देते हो, ऐसे करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे सारे के सारे थिंग्स को हमें प्रॉपर प्लेस में ही रखना चाहिए. देन नंबर टू में आएंगे हम, नंबर टू में पॉइंट नंबर टू होगा We should keep our books, school bag, school dresses and other clothes in the almirah. तो मैं जैसे बोली थी कि आप स्कूल आने से क्या करते हो, स्कूल आने से हमें मैं लिखी हूँ वी शुड कीप आवर बुक्स स्कूल बैग्स स्कूल ड्रेस एंड अदर क्लॉथेस इन द अलमीरा. तो हमें ये सारे के सारे थिंग्स को किधर रखना चाहिए कि अलमीरा के अंदर ही रखना चाहिए. अलमीरा में नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इधर उधर करने से गंदा हो जाएगा, तो वो क्या होने सकता है, उसको फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा और तो हेल्दी नहीं रहेगा, फर्स्ट प्राइज उसको मिल सकता है. इसीलिए हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करना है कि याद रख देना है और हमारे जीवन में उसको भी यूटिलाइज करना है, और ऐसे लिख देने से कुछ नहीं होगा, हमारे जीवन में उसको फिर क्या करना चाहिए कि यूटिलाइज करना चाहिए. ऐसे आपके SW है, आपको ऐसे क्या है कि 5 पॉइंट्स लिखना है, राइट एनी 5 पॉइंट्स. हाई पॉइंट्स ऐसे है तुम्हारे घर को तुम कैसे रख सकते हो, क्लीननेस कैसे रख सकते हो, तो इसके बारे में तुम्हें और 5 पॉइंट्स रखना है. तो हो गया.